बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड साउंड एंड एंजॉयिंग एट योर होम्स। स्टूडेंट्स, योर स्कूल रीओपनिंग टाइम इज नियर एंड नाउ यू हैव टू डू द बेस्ट फॉर दिस। काइंडली लर्न ऑल द गिवन वर्क फॉर योर एग्जाम्स विच आर स्टार्टिंग प्रोबेबली फ्रॉम 16 सेप्टेम्बर, इंशाल्लाह। आई होप ऑल ऑफ यू विल डू द बेस्ट। Now we are going to do the book work of chapter number 1 we have done already. See, this is page number 8. Unscramble, what am I? मैं क्या हूँ? इसमें आपको जो सेंटेंस जो हिंट दिया गया है उसके बारे में आपने ऐसा करना है कि आगे जो आपको एक और वर्ड दिया गया है वो अनस्क्रैम्बल है, उसको आपने सोचते हुए, उसको आपने जज करते हुए उस सेंटेंस के अंदर लिखना है प्रॉपरली। Like this, I am a small cake, I have icing on top. एंड बी यू लिखा हुआ, इससे मिलता जुलता कोई वर्ड जो आप इसको अरेंज करेंगे तो आप कौन सा वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो केक के ऊपर आइसिंग होती है, क्या होती है? बन। I am small and red, I am nice on top of a bun, cherry. वर्ड आगे दिया गया है, उसको आपने जस्ट अरेंज करना है। You eat me, I grow on tree, I am a fruit, that is apple. You put your lunch in me, this is lunch box. On page number 9, A part is write each sentence correctly. In इस part में आपको जो words दिए गए हैं वो अनअरेंज्ड हैं, यानी कि आगे पीछे हैं, उनको आपने अरेंज करके एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस ब्लैंक के ऊपर राइट करना है। कैट पेट आई आ हैव, तो क्या करेंगे? आई हैव अ पेट कैट। नंबर 2, वाइट इज़ इट अ बिग कैट, इट इज़ अ बिग वाइट कैट। हैज़ विस्कर्स इट लॉन्ग, विस्कर्स क्या होते हैं? उसके जो बाल होते हैं उसके फेस के ऊपर, कैट के ऊपर, उसे विस्कर्स कहते हैं। इट हैज़ लॉन्ग विस्कर्स। Cat play my two love, my cat loves to play. Sentence ऐसा होना चाहिए जिसका कोई meaning बनता हो। Likes fish, eat and milk, it likes fish and meat. Proper distancing के साथ आपने ये words sentence की सूरत में लिखने हैं। One finger distance ज़रूर किया करें, अपने English हो या उर्दू हो, आपके काम में नज़र आना चाहिए। बी पार्ट, बच्चों आपने फूड टिक करना है। माइस लाइक, माइस को क्या पसंद है, जो इसमें से पसंद है उस पर आपने टिक कर देना है। माइस हैव, माइस क्या होती है? चूहिया। माइस के ऊपर क्या होते हैं? हेयर, टेल, टीथ, नोजेस, क्या होता है वो आपने टिक करना है। ये पार्ट बी और सी पार्ट आप खुद करेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें आपने एक ऑप्शन को यहाँ पर लिख देना है। Now see on the page number 10. Say the word, write the sound. इसी तरह से आपने जो rhyming sound हमने पहले भी पार्ट किए हैं, एक जैसी आवाज़ों वाली सेम साउंड्स के वर्ड जो होते हैं उनको ऊपर बॉक्स में से लेके आपने नीचे लिख देना है। जैसा कि ओल्ड की साउंड्स हैं ना, OLD के साथ जो साउंड्स आ रही हैं ऊपर बॉक्स में, वो आपने ऊपर से देकर नीचे फिल कर देनी है। जैसा कि कोल्ड, ओल्ड, बोल्ड, टोल्ड, गोल्ड और कोल्ड। इसी तरह एंट की साउंड्स, प्लांट, करंट, एलिफेंट, वांट, पेंट, एंट, ये आपने ऊपर से देकर फिल कर देना है बॉक्स के अंदर। क्वाइट ईजी, बहुत ईजी है आपके लिए और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। नाउ पार्ट बी में कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, उन्होंने आपको कलर भी करेंगे आप इनमें, और इनके नेम वो जो कि ऊपर पैच में ही हैं वो आपने इनके नीचे लिख देने। जैसा कि ये आंट है, ये जहाँ पे इसको सर्दी लग रही है, कोल्ड, एलिफेंट, गोल्ड, प्लांट और ओल्ड। ओके, नाउ सी ऑन पेज नंबर 11, कंप्लीट सेंटेंस आपने लिखना है। जस्ट एक या दो वर्ड्स आपने इसमें ऐड करके आपने सेंटेंस को प्रॉपरली राइट डाउन कर देना है। फ्रॉग्स होप क्रो, फ्रॉग्स कैन होप एंड क्रो। जो फ्रॉग्स जो उछल कूद करते हैं उसे कहते हैं होप एंड क्रो। वाटर फ्रॉग्स लाइक, फ्रॉग्स लाइक वाटर। ईट फ्लाइज फ्रॉग्स, इसको भी आपने प्रॉपर लिख देना है इसको सेंटेंस, फ्रॉग्स ईट फ्लाइज। ये नहीं करना कि फ्लाइज ईट्स फ्रॉग्स, मक्खियाँ कोई फ्रॉग्स को खाती हैं?
इस तरह आपने सोचते हुए समझते हुए करना है कि फ्रॉग्स ईट फ्लाइज, ठीक है। नॉइज फनी फ्रॉग, फ्रॉग्स मेक फनी नॉइजेस, यानी कि फ्रॉग्स की जो आवाज़ें हैं वो मजाहिया होती हैं, उन पर हंसी आती है। फ्रॉग्स ईट डक्स, डक्स ईट फ्रॉग्स, फ्रॉग्स ईट डक्स नहीं लिखना आपने। मेंढक जो हैं वो बतखों को नहीं खाते, बल्कि बतखें जो हैं वो मेंढक को खाती हैं। इसलिए आपने इसको सोचते समझते हुए आंसर राइट करने हैं यहाँ पे। ऑल अबाउट मी, इसमें भी आपने ऊपर पैच में से अपनी चॉइस के वर्ड लिखने हैं टुडे, ये आप क्वाइट खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी पार्ट को देखें, पिक्चर्स हैं, जस्ट ऊपर सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है कि ऊपर से देखना है सेंटेंस और उसकी पिक्चर के अकॉर्डिंग उसमें नंबर लिख देना है, ठीक है। नंबर वन, द फ्रॉग इज़ ईटिंग अ फ्लाई, कौन सी पिक्चर है जिसमें एक फ्लाई जो है ना वो फ्रॉग खा रहा है, दिस वन। द स्लीपी फ्रॉग इज़ ऑन द लीफ, लीफ के ऊपर कौन सा फ्रॉग सो रहा है, दिस वन। तो यहाँ पे टू नंबर हम लिख देंगे। इस तरह से द हैप्पी फ्रॉग इज़ जंपिंग ओवर अ फ्लाई, ये नंबर थ्री हमने इस बॉक्स में लिख दिया इसके सेंटेंस को पढ़ते हुए। ग्रम्पी फ्रॉग इज़ अंडर द लीफ, ये देखिए इस पिक्चर में भी यही बात दिखाई दे रही है, तो आपने इसको क्या किया, नंबरिंग कर दी जस्ट। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज, राइट हाउ हैव एंड हैज़, हाउ यू गॉट मनी, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हैव यू टाइम टू प्ले, हैव यू गॉट अ जिग्सॉ, हैज़ द रेन स्टॉप्ड, हाउ डिड यू गेट इट, हैज़ द डॉग गॉट अ बोन, हैज़ इट स्टार्टेड टू रेन, हाउ डू यू मेक इट, हैव यू अ रेन कोट। बी पार्ट में ज़ू और फॉर्म, इसमें आपने बताना कि कौन सा एनिमल जो है वो ज़ू में होता है या फॉर्म में होता है। फॉर्म वो जगह होती है जहाँ पे इन जानवरों की अफजाइश या उनकी जो है ना वो फार्मिंग की जाती है, जैसा कि चिकन को हम पालते भी हैं तो इसलिए फॉर्म में आएगा। एलिफेंट ज़ू, बियर ज़ू, शीप फॉर्म, पेंगुइन ज़ू, लायन ज़ू, काउ फॉर्म, क्रोकोडाइल ज़ू, मंकी ज़ू और डोंकी फॉर्म। नाउ वी हैव डन ऑल द बुक वर्क, यू हैव टू डू योर बुक वर्क वेरी नीटली एंड प्रॉपरली, एंड वन थिंग मोर आई हैव टू टेल यू दैट आपने सारा काम लर्न भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, अपनी रफ कॉपीज़ के ऊपर इन पार्ट्स को आपने बनाना है और करना भी है, बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स अब बहुत करीब आ गए हैं। जैसे ही आप स्कूल में आएंगे आपके एग्ज़ाम होंगे और आपको ये काम प्रॉपरली लर्न होगा तो ही आपको फ़ायदा होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड डू मोर प्रैक्टिस। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।